वॉर्डन की पगड़ी की छलकी थी। जेल वार्डन की वर्दी पाड़ी से पगड़ी लाही गई। अल्जाम में पुलिस ने हालांकि हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिरोजपुर केंद्र जेल का पूरा मामला दसिया जा रहा है। हवालाती ने जेल वार्डन की पूरे तरीके कुटमार की है। जेल वार्डन की वर्दी तक पा दी गई ते इल्जाम आवी ने की पग भी लाही गई। मेरे मेरे सहयोगी मनदीप फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मनदीप, जानना चाहवांगे आ मामला कदों का है ते आ हवालाती कौन है? बिल्कुल जी सरबजोत, जे गल करिए परसों रात की जी घटना दसी जा रही है कि जदों वार्डन वालों इन्हों हवालातियों जेडे बैरकों के बाहर खड़े से उन्होंने जी उन्होंने बंदी करनी सी और उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है और उस तो बाद गुस्साए एक हवालाती जिहड़ा गुस्से च आ गया मरकस मसीह उसने जिहड़ा है वार्डन के उपर ही हमला कर दिता। उसके नाल कुटमार की उसकी वर्दी पाड़ दी तो उसकी पग भी उतार दी है और उस तो बाद हुण सहायक सुपरिंटेंडेंट की कंप्लेंट के उत्ते शिकायत के उत्ते थाना सिटी के उसके मरकस मसीह के जिहड़ा हवालाती जी उसके खिलाफ जिहड़ा है परचा दर्ज कर लिया गया और अगली जिहड़ी है कार्रवाई की जा रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप सानू तमाम जानकारी दे। अगे वधांगे ते गल करांगे मोहाली दे पिंड म्यालबा दी जिथे कि कोऑपरेटिव बैंक दे मैनेजर दे वल्लों करोड़ां दी ठगी करन दा मामला सामने आया है। लोकां दे करोड़ां रुपए लैके बैंक मैनेजर फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। लोकां दे खात्यां नूं खाली करके फरार होया है। लोकां ने खात्यां तो लखां ते करोड़ां रुपए गायब करके आम मैनेजर गायब हो गया। पुलिस ने मामले की जांच जुटी हुई है। हालांकि पाल इस मैनेजर की लगातार जारी है। तीन महीने पहला ही मुल्लापुर नेड़े बांसेपुर दी एक्सिस बैंक के मैनेजर वालों भी आ लखा करोड़ा रुपए की ठगी की गई थी। हालांकि पुलिस ने मैनेजर नूं गिरफ्तार कर लिया। मोहाली के पिंड म्यालबा का पूरा मामला दसिया जा रहा। कोऑपरेटिव बैंक है जिथे के मैनेजर के वालों करोड़ा की ठगी की गई है। मेरा मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मनोज, जानना चाहवांगे कि आ जो मैनेजर है कितने फरार है, इसकी पाल लगातार जारी है ते इस मैनेजर की आइडेंटिटी की कुछ है? मैं अपने सहयोगी मनोज राठी का मुड़ तो रुख करांगी। लोगों के करोड़ों रुपए लैके आ जो बैंक मैनेजर है मौके तो फरार। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिले है जिथे कि सात सूबे तो नौ बदमाशा के गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नाल ही सात नाजायज हथियार भी रिकवर किए गए हैं। दर्ज पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो आ गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा, यूपी के बिहार तो भी आ मुलजम काबू किए गए। सारे से पहला तो ही टारगेट किलिंग वर्गे कई मामले दर्ज हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के नाल जुड़े जो तमाम शूटर्स ने, बदमाश ने, वो दिल्ली पुलिस के वालों गिरफ्तार किए गए। ऑस्ट्रेलिया जान दे चाहवाना दे लई वड्डी खबर है। दसके ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा दे रूल्स होर सख्त कर दिते ने। हुण भारत विद्यार्थियों नूं अकाउंट विखाने पैणगे 16,29,000। ऑस्ट्रेलिया ने बचत की शर्त 40% वाध कर दी है। पिछले सात महीनों के दौरान ही बचत की शर्त च वाधा किया गया है। हुण रूल्स होर सख्त कर दिते गए ने। पिछले साल अक्टूबर च ये बचत शर्त 11,54,000 की गई थी। इस तो बाद इसनूं 13,44,000 किया गया सी। कल 10 मई तो लागू होंगे नवे रूल्स। पिछले महीने मार्च सरकार ने अंग्रेजी दे निजमा च भी सख्ती ते गल कर सकने कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले चाहवाना दे लई वड्डी खबर है। हालांकि जो स्टूडेंट वीजा दे रूल्स ने वो सख्त कर दिते गए ने। कई जो पंजाब दे स्टूडेंट्स ने चाहवान होंदे ने ऑस्ट्रेलिया जाने दे लई, उत्थे स्टूडेंट वीजा दे लई अप्लाई करदे ने, उत्थे पढ़ाई करना चाहते ने, बाद च वर्क परमिट दे लई अप्लाई करदे ने ते बाद च उत्थे ही सैटल डाउन होना चाहते ने। ते उन्हां दे लई हुण खबर है कि जो स्टूडेंट वीजा है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने वालों सख्त कर दिया। गल करांगे एयर इंडिया दी। मासिक लीव लैंड वाले बर्खास्त कर दिए गए ने, टर्मिनेट कर दिए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ क्रू मेंबर्स नु टर्मिनेट कर दिया है। परसों रात 200 तो बाद ज्यादा कर्मचारियों ने सिक लीव ली थी, जिसके चलते कागजी जो यात्री थे खज्जल खुआर हुए थे। ट्यूजडे